देशहित देख रहे हैं आप और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां डॉक्टरों की हड़ताल पर अब राज्यपाल की भी एंट्री हो गई है। राज्यपाल ने दखल दे दिया। राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिलने के लिए बुलाया। थोड़ी देर पहले राज्यपाल ने कोलकाता में उस घायल डॉक्टर से भी मुलाकात की। ये वही घायल डॉक्टर है जिसको मरीजों के रिश्तेदार जो थे उन्होंने घायल कर दिया था। और उससे पहले आपको बता दें, ममता बनर्जी के सामने घायल डॉक्टर द्वारा 6 मांगे रखी गई हैं, जिनमें से एक ममता बनर्जी द्वारा माफी मांगी जाने से जुड़ी हुई है। और साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी आज ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दे दिया था कि 7 दिन में इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। सर, एनी tried to contact the chief minister. I have called her and till this moment there is no response from her. Okay. And if she calls on me, then we'll discuss the matter. Will you be visiting NRS also where the doctors are visiting? Let me see how am I advised. Thank you. Sir, any call from CM office? Sir, any call from CM office? You have called the honorable chief minister for a discussion. Yes, I have called her. Let her come. Okay. तो केशरी नाथ त्रिपाठी को आप सुन रहे थे, जो कि राज्यपाल हैं, वो कह रहे हैं कि आई हैव कॉल्ड हर, मतलब ममता बनर्जी को बुलाया है मीटिंग के लिए, मिलने के लिए। और ये मामला अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि जख्मी डॉक्टर से भी मुलाकात की है राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने। तो एक तरफ राज्यपाल की एंट्री हुई है, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा ये भी याद दिला दें, ममता बनर्जी इस हड़ताल में सांप्रदायिक साजिश देख रही हैं। वो इसे बाहरी बनाम अंदरूनी का मामला बताती हैं, वो इसके पीछे बीजेपी की साजिश भी बताती हैं। तो सियासत कई लेवल पर ममता बनर्जी की तरफ से कई सियासी आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना परेशान करेगा, बाहर निकलो, कहाँ से बाहर निकलेंगे आप? हम सरकार से चाहते हैं कि वो हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए कुछ सोचे। डॉक्टरों की हड़ताल से देश भर में हाहाकार। मरीजों पर भारी बंगाल की सियासी महामारी। ममता को कोर्ट के अल्टीमेटम से बनेगी बात। जूनियर डॉक्टरों के साथ पश्चिम बंगाल में मारपीट के बाद शुरू हुए आंदोलन की आग अब देश भर में फैल गई है। बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का असर अब देश के अन्य हिस्सों में भी दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, वडोदरा, पटना और नागपुर समेत देश के कई हिस्सों में डॉक्टरों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहीं डॉक्टर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं नारेबाजी। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीज और उनके परिवार वाले परेशान हैं। दिल्ली में एम्स के अलावा यहां के कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हाल बेहाल है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स कोलकाता में डॉक्टरों पर हुए हमले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इमरजेंसी सेवा चालू है लेकिन यहां ओपीडी बंद है। यहां अपनी सिस्टर का ट्यूमर है आँख में, उसको ऑपरेशन की डेट दी गई थी आज, उसी लिए आया था, पर रूम बंद है आज, डॉक्टर नहीं बैठे हैं, हड़ताल पे हैं। एम्स के डॉक्टरों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात कर उनसे सुरक्षा की मांग की। डॉक्टरों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून नहीं बनाए जा रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि सेंटर इसमें इंटरवीन करके सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी लॉ और सिस्टम के अकॉर्डिंग एक लॉ लाए, एक बिल लाए कि अगर हॉस्पिटल पे या डॉक्टर पे अटैक होता है तो उसको नॉन वायलेबल वारंट जारी हो। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी डॉक्टरों को भरोसा दिया कि वो इस मामले में ममता बनर्जी को खत लिखेंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी डॉक्टरों को धमका रही हैं, उन्हें हड़ताल खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। जो ममता बनर्जी हैं मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि इस संवेदनशील विषय को वो कोई प्रेस्टीज का विषय ना बनाए। डॉक्टर हर्षवर्धन देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अस्पतालों में डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने की गुजारिश करेंगे। सवाल ये है कि डॉक्टरों की सुरक्षा तो जरूरी है, लेकिन अगर इस हड़ताल की वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा जरूरी है या मरीजों के प्राण? पूजा मक्कड़ और कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।